होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुर्ते से मेजरमेंट लेकर कुर्ते की कटिंग कैसे करें, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों से डिमांड आ रही थी कि आप लोग पूछ रहे हैं कि जो आपके पहले से बने हुए कपड़े होते हैं या आपका जो पहले से बना हुआ कुर्ता है जो आपको एकदम परफेक्ट बनता है, उसी से मेजरमेंट लेके उसी के जैसा दूसरा कुर्ता कैसे बनाए। वैसे तो कुर्ते से मेजरमेंट लेके दूसरा कुर्ता बनाना बहुत ही ईजी होता है, और अगर हम लोग बता रहे हैं तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये हमारा अपने स्टूडियो में फर्स्ट वीडियो है और बहुत देर से स्टूडियो को काम चल रहा था, हम लोग उसी में लगे हुए थे इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। और ये है हमारा स्टूडियो, आप लोग देख लीजिए, ये इस साइड ऐसा है और इस साइड कुछ ऐसा हमने डिजाइन दिया है। और ये जो डिजाइन बनाया है ये हमने अपने हाथों से बनाया है, मतलब ये पूरा डिजाइन बाकी पेंटर भैया ने पेंट कर दिया था, लेकिन डिजाइन ये हमने बनाया था। और ये जो इस वाली वॉल पर डिजाइन बना हुआ है ये भी हमने ही बनाया था। और बाकी पूरा स्टूडियो एक साइड से हमारा ऐसा है, इस वाली वॉल पे इस टाइप का डिजाइन है, इस वाली वॉल पे ये वाला कलर करवाया हमने और इसी का मैचअप हमने इस पे रखवाया है। तो ये पूरा हमारा स्टूडियो है। तो आपको स्टूडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये सारी चीजों को हमने कैसे डिजाइन किया है, ये जो हमने डिजाइन बनाई ये कैसे बनाई, ये वाली डिजाइन कैसे बनाई, इन डिजाइन को हर एक को अपने हाथ से बनाया है, पूरे को शूट भी किया है, कैसे कैसे बनाया है, अगर आप भी चाहते हैं देखना तो आप हमारे ब्लॉग के चैनल पर जाकर देख सकते हैं पूरे डिजाइन को बनाने का ट्यूटोरियल, देख भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं, आप अपने घर में भी डिजाइन करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने ब्लॉग पूरे हर एक चीज का अच्छे से ब्लॉग बनाया है, पूरे घर में डिजाइन किया, ये तो सिर्फ स्टूडियो है और भी घर में बहुत सारी जगह डिजाइन किया है और हमने हर एक डिजाइन को बनाना भी बताया है। तो आप ब्लॉग में जाकर पूरे एक चीज देखिए, हमने हर एक चीज का रोज का डेली का ब्लॉग बनाया है। तो ब्लॉग के चैनल का नेम है प्रिया प्रीति ब्लॉग्स, और ब्लॉग के चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ब्लॉग जरूर देखिएगा आप। और फ्रेंड्स, इस स्टूडियो में हमारा पहला वीडियो बन रहा है, तो आप लोग वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कुर्ते की नाप से कुर्ते की कटिंग कैसे करें। आपको अपने नाप का परफेक्ट कुर्ता लेना है, जैसे कि हमने ये कुर्ता लिया है जो कि हमारा बिल्कुल सही है, आपको भी अपने नाप का बिल्कुल सही कुर्ता लेना है जो आपको फिटिंग में भी सही बनता हो और पहनने के बाद आपको बिल्कुल सही लगता हो वही कुर्ता। तो हमारा ये जो कुर्ता है बिल्कुल सही मेजरमेंट है इसका, तो हम इसी के नाप से आपको कटिंग करना बताने वाले हैं। तो इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। ये हमारा जो कपड़ा है ये हमारा बड़ेरस का कपड़ा है जिसकी चौड़ाई 60 इंच है, और ये तो हमने इसका आरज बताया, और ये जो लंबाई है 1.5 मीटर हमने ये लंबाई में लिया है, और क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो कपड़ा कब लगेगा हमारा। वैसे नॉर्मल कपड़ा आपका 2 मीटर लगता है, जो 40x42 इंच के आरज वाला जो कपड़ा आता है वो 2 मीटर लगता है, लेकिन ये 60 इंच के आरज वाला कपड़ा है इसलिए हमने इसको 1.5 मीटर लिया है। तो अब आपको कपड़े को खोलकर सिंगल कर लेना है, इसके बाद इसको एक बार फोल्ड कर देंगे। ये हमारा डबल पल्टी में फोल्ड हो गया, अब इसको लेंगे और एक बार और फोल्ड कर देंगे। और अभी हमने ये पूरा फोल्ड नहीं किया है, पहले हम दामन को नापेंगे कि हमारे दामन कितने इंच हैं, उसके हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे। आपको अपने कुर्ते के दामन नापना है, तो हमारे दामन आ रहे हैं 19 इंच के। आपको एक काम और करना होगा, दामन को नापने के साथ साथ आपको हिप साइज भी नापना होगा। तो ये देखिए, ये हमारा 16.5-17 इंच का आ रहा है, तो मतलब कि आपको ये वाला हिस्सा छोटा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो मतलब कि आपको जो हिस्सा आपका बड़ा होगा आपको उसी के हिसाब से रखना होगा। अगर आपका हिप साइज बड़ा है तो आपको कपड़े को हिप साइज के हिसाब से फोल्ड करना होगा, और अगर आपके दामन बड़े हैं तो आपको दामन के हिसाब से फोल्ड करना पड़ेगा। तो हमारे दामन आ रहे हैं 19 इंच के, हम उसके हिसाब से 19 रख लेंगे और फिर सिलाई मार्जिन के लिए अलग रखेंगे। हमने आपके दामन के हिसाब से इसको फोल्ड कर लिया है, तो दामन जो हमारा था 19 था, लेकिन हमको 19 नहीं रखना है, हम रख रहे हैं इसको 20 इंच का, क्योंकि हमें इसको लॉन्ग कुर्ता बनाना है। लॉन्ग कुर्ते के हिसाब से इसके दामन हमने थोड़े चौड़े बना लिए हैं। तो ये रहा हमारा 20 का आधा 10 इतना कपड़ा, और इतना हमने 2 इंच इसके मार्जिन के लिए ले लिया है, सिलाई के मार्जिन के लिए। अब इसके बाद हमको नाखून लगा लेना है। कपड़े में अच्छे से नाखून लगा लिए हमने। सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको नेक कैसा बनाना है, उसी के हिसाब से आपको कुर्ता ले लेना है। और अगर आपके पास स्टैंड कलर कुर्ता या खुले गले बनाया है तो उसके हिसाब से हमने चार्ट बना कर रखा है किस साइज में कितने शोल्डर रखना है और कितने आर्मोल्स रखना है। अगर आपको अपने हिसाब से नहीं आता है तो आप उसमें से जाकर देख लीजिए, चार्ट की वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हमें लगाना है शोल्डर का निशान, तो कपड़े को पहले आप सीधा करने का निशान लगा लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से, अगर आपको स्टैंड कॉलर गला बनाना है या फिर छोटा गला बनाना है बैक साइड का, तो आपको शोल्डर को डाउन करना पड़ेगा, और अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आपको एकदम सीधे शोल्डर रख लेना है।
ठीक है। ये जो कुर्ता हम बना रहे हैं इसमें बनाएंगे हम स्ट्रेट कॉलर वाला, तो इसके हिसाब से हम रख रहे हैं इसके शोल्डर डाउन। तो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक 1 इंच इसको डाउन कर दिया है। अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो हम अपने कुर्ते के शोल्डर नाप कर देख लेते हैं कितने आ रहे हैं हमारे। इसको आपको फ्रंट साइड से नहीं नापना है, बैक साइड से नापना है। तो हमने कुर्ती को बैक साइड में रख लिया है। इसके बाद आपको इस सिलाई से इस सिलाई तक नाप कर देखना है कितना आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 14 इंच आ रहा है। तो हम ये पहले 14 का आधा 7 पर निशान लगा देंगे और ये आधे इंच रख लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। ये हमारा शोल्डर का निशान लग गया है। और उसका निशान लगाने से पहले हम कुर्ते को उल्टा कर लेते हैं। कुर्ती को हमने उल्टा करके रख लिया है। अब आपको आर्महोल्स का नाप लेना कैसे है, आपको यहाँ से सिलाई के पास से इंची टेप को रखना है और आपको एकदम यहाँ से कपड़े को एकदम बराबर से रख लेना है, बराबरी से, आगे पीछे नहीं करना है। और आपको ऐसे में तो नाप बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप ऐसे करके नाप ले लेंगे तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और यहाँ से बहुत ज्यादा लटकेगा। तो फिर आपको लेना कैसे, आपको इसको कुर्ते को जैसे आपकी गोलाई होती है ना उसके हिसाब से इसको अच्छे से जमा कर रखना है। और ये जो आपकी शोल्डर के पास की जो सिलाई होती है ना उस सिलाई के पास से इसको लेना है। और ये वाला जो मार्जिन वाला कपड़ा है ना इसको नहीं मिलाना है, सिर्फ ये जो जहाँ से हमारी सिलाई लगी है ना वहीं से नापना है आपको, वहां से लेके यहाँ तक आपको नापना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, सिलाई के पास नापना है आपको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आ रहा है 6.5 इंच। इसको अभी हम हटा देते हैं और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 6.5 पर ही निशान लगा लेंगे। और ये निशान आपको फिक्स ही लगाना है, ऊपर का और नीचे का बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं करना है। जितना हमारा यहाँ पर सिलाई में दबेगा उतना ही हमारा नीचे सिलाई में बढ़ भी जाएगा, तो दोनों मिलाकर हमारे बराबर हो जाएंगे, इसलिए आपको फिक्स पर ही निशान लगाना है। इसके बाद आपको कमर का निशान लगाना है। तो कमर हमारी 14 पर ही लगती है, नॉर्मल कुर्ते बनते उसमें। अगर किसी की ज्यादा हाइट है तो फिर वो 15 इंच पर लगाएगी और किसी की ज्यादा ही छोटी हाइट है तो उनको 13 इंच पर लगाना होगा। अब लगा लेते हैं हम चौक के निशान। तो कुर्ता ले लेंगे अपना, हमने कुर्ते को अच्छे से रख लिया है। यहाँ से ये जो शोल्डर की जो सिलाई है इसको आप छोड़ दीजिए, सिलाई के पास से आपको इंची टेप को रख लेना है और यहाँ से जहां तक आपका ये चौक आ रहा है वहां तक आपको नाप कर देखना है। ये जो हमारे चौक है वो 18 इंच पर आ रहा है, पर हमको 18 नहीं रखना है, हमको थोड़े से नीचे रखना है। तो हम 19 इंच पर रख रहे हैं। ये शोल्डर के पास से लेंगे इंची टेप को और यहाँ से लेके 19 इंच आ रहा है तो हम 19.5 पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि आधे इंच आपका सिलाई में ऊपर दब भी जाएगा तो वो कवर हो जाएगा आधे इंच। अब हमको लगाना है लंबाई का निशान। तो ये जो हमारा कुर्ता बिछा हुआ रखा है यहीं से आपको नापना है सिलाई के पास से, और इसकी लंबाई तो कम है, हमको बनाना है लॉन्ग कुर्ता। तो हम कुर्ते की लंबाई रख रहे हैं 42 इंच। बीच में से आपको इंची टेप को रखना है 42 इंच। आपको फुल लंबाई चाहिए तो आपको 44 पर निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 इंच आपका नीचे सिलाई में उड़ेगा और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में दबेगा, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 2 इंच। तो इसलिए आपको लंबाई में 2 इंच प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद लगाएंगे हम फिटिंग के निशान। कुर्ते को आपको ठीक से जमा कर रख लेना है। इसके बाद आपको इस सिलाई से लेके इस सिलाई तक नाप कर देखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आ रहा है 17 इंच। तो 17 का आधा कर लेंगे हम तो हो जाएगा 8.5 इंच। तो ये हमने आधे में क्यों लगा लिया है, क्योंकि ये वाला जो कपड़ा है ये हमारा डबल में रखा हुआ है और ये वाला हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है, तो इसलिए हमको ये आधा तो हमारा ये है, इसको हमको आधा और करना पड़ेगा। तो हमने ये 17 का आधा कर लिया तो 8.5 पर ये निशान लगा दिया। ये चेस्ट की फिटिंग हमारी लग गई है। अब हमको लगाना है कमर की फिटिंग। कमर आप नाप कर देख लीजिए कि आपका 14 कहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा 14 यहाँ पर आ रहा है, तो आपको यहीं से नापना है, इस सिलाई के बीच में आपको नापना है। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है हमारा 14, तो 14 का आधा करेंगे हम तो हो जाएगा 7 इंच। 7 पर निशान लगा लिया। इसके बाद हमको ये हिप साइज नापना है, तो ये हमारा आ रहा है 17 इंच। पर हमने ये वाले चौक थोड़े से नीचे कर लिए हैं, मतलब बढ़ा लिए हैं चौक। तो जब चौक बढ़ गए तो हिप का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे पहुंच जाता है तो साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम 17 की जगह पर रख रहे हैं 18। अगर आपका कुर्ता एकदम परफेक्ट है तो फिर आपको फिक्स ही रखना है, बिल्कुल बढ़ाना बढ़ाना नहीं है। 18 का आधा हो जाएगा 9 इंच। तो 9 पर हमने ये निशान लगा लिया। इसके बाद आपको दामन के निशान लगाना है। तो दामन तो मैंने आपको बताए थे कि हम इसके दामन 20 इंच के रख रहे हैं, इसमें 19 थे, लॉन्ग कुर्ते की वजह से हम इसके बढ़ा रहे हैं दामन। तो 20 का आधा हो जाएगा 10। 10 पर हम ये निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को तीनों को लंबा कर लेंगे, इससे इसको और इससे इसको मिला देंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर आपको आर्महोल्स की गोलाई कर देना है।
तो ये स्टैंड गोला है इसलिए यहाँ पर कम गोलाई आ रही है। अगर खुला वाला होता तो यहाँ से यहाँ तक बड़ी गोलाई बनती। अब आपको बड़ा स्केल ले लेना है और यहाँ पे नीचे वाले निशान को लंबा कर देना है और इसको इससे मिला देना है और यहाँ पर एक इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचना है। चौक मोड़ने का मार्जिन रहेगा जो कि ये हमारे सारे निशान लग गए हैं कुर्ते के। अब यहाँ से आपको कटिंग करना स्टार्ट करना है। यहाँ से आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं पर हम 1.5 का ही ले रहे हैं। यहाँ से आपको कम करते जाना है और इसकी बराबरी से कटिंग करनी है। कुर्ती की कटिंग हमारी हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक सीने के पास कट लगा देना है, एक कमर के पास, एक यहाँ हिप के पास और एक यहाँ चौक मोड़ने वाला है। ये सारे कट हमारे लग गए हैं। अब आपको इन दोनों पल्लर को अलग अलग कर लेना है, बैक पार्ट इसमें से हटा देना है, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा लेना है। वापस से कपड़े को जमा लेंगे। आगे वाले पार्ट में आपको आर्महोल्स के पास 1 इंच की गोलाई और करना है, यहाँ पर थोड़ी कम, यहाँ पर लग खत्म कर दी हमने। और ये वाली गोलाई आपको बैक साइड में नहीं कटिंग करनी है। इसके बाद आपको गले की कटिंग करनी है। तो गला आपको अपना जिस साइज का आपको रखना है उस साइज से आप नाप कर देख लीजिए। तो यहाँ से जो ये जो सिलाई आ रही है इस सिलाई के पास आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ से लेके एकदम सीधा इंची टेप रखना है। तो आपको यहाँ से सीधा रखने के बाद जो भी मेजरमेंट निकल रहा है आपका यहाँ से आप ऐसे देख लीजिए बराबरी से। तो 6.5 इंच हमारा ये आ रहा है। तो 6.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद आपको विड्थ का निशान लगाना है। इस सिलाई से इस सिलाई के बीच का हम नाप कर देखेंगे तो ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। तो 5.5 का आधा करेंगे तो 3.25 इंच हो जाएगा। 3.25 इंच पर हम ये निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे तिरछे में ये निशान लगाना है क्योंकि गले का जो शेप है वो वी शेप दे रहे हैं। आप चाहे तो कोई दूसरा शेप भी दे सकते हैं। आपको जो भी शेप देना है तो आप वक्र पे भी कटिंग कर सकते हैं और नॉर्मल गोल गला बनाना है तो आप नॉर्मल गोल गला इसी पर कटिंग कर सकते हैं। ये बात तो हुई पट्टी वाले गले की। अगर आपको वक्रम वाले गले स्टैंड कॉलर के साथ देखना है, मतलब कि सीखना है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे स्टैंड कॉलर गले वाली वीडियो का। अब इसकी यहीं से कटिंग कर देनी है। ये हमारा आगे गला कट गया। अब हम स्टैंड कॉलर लगाने का कट लगा देते हैं। तो 3.5 इंच पर हम ये कट लगा रहे हैं। ये वाली जो कॉलर है ना यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंच पर हमने ये कट लगाया। 3 इंच की हमारी बंद करा जाएगी, ऊपर हमारी 1/2 इंच सिलाई में दब जाएगी। अब बैक साइड का पार्ट ले लेंगे हम। इस पार्ट में भी आपको 3.25 इंच विड्थ रखना है और यहाँ से 1/4 इंच गहराई से कटिंग करना है और यहाँ लाकर आपको इसको खत्म कर देना है और यहाँ पर एक छोटा सा कट मार देना है। इसको वापस से जमा लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। इसको हटाएंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स बना रहे हैं और वो भी बनाएंगे हम बलून वाली, क्योंकि हमारी कुर्ती को बलून स्लीव्स बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। उसने 2 कुर्ते हम बना लिए, उसको बहुत अच्छी लग रही है। तो उसने आप सोच लिया जितने कपड़े बनाएंगे उन सब में बलून वाली स्लीव्स ही बनाएंगे। तो जितना ही हमारा फैब्रिक बचा है, ये हमारा 4 फोल्ड में था तो इसको पूरा ले लेंगे। ये अभी हमारा थोड़ा सा यहाँ से कम था तो थोड़ी सी ज्यादा चुन्नटे आ जाएंगी, मतलब थोड़ा सा ये ज्यादा आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कपड़े को नाप कर देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 13 इंच का आ रहा है तो हम पूरा ही रख लेंगे। 12 इंच के यहाँ तक की स्लीव्स आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बॉर्डर अलग से लगा देंगे तो एकदम सही रहेंगे। तो इस कपड़े को काट कर एकदम सीधा कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच पर निशान लगा देना है। 3.5 इंच हमने इसको स्लीव्स को डाउन कर लिया और स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब स्लीव्स का शेप दे दिया और यहाँ से एक तिरछा निशान लगा देंगे लगभग यहाँ से 2 इंच। अब इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक सेंटर में कट लगा देंगे। ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसके बाद ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बॉर्डर कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा डबल में तो है ही, इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे। और अस्तीन की फिटिंग ये हमारी 10 इंच की। तो ये देखिए 10 का आधा हो जाएगा 5, ये हमारा 5 हो गया और इतना हो गया हमारा मार्जिन के लिए। ये हमारा 1.5 इंच का है। इसकी यहीं से कटिंग कर देंगे और ये 2 पट्टियां हमने एक साथ कटिंग कर ली हैं। इनको काट के बीच में से 2 अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए एक अलग हो गई है हमारी, एक अलग हो गई है, एक जाएगी और ऐसे करके एक स्लीव में लग जाएगी। और ये वाली जो पट्टी
पट्टी है, हमने 2.5 इंच की कटिंग की है। ये देखिए ये 2.5 इंच की पट्टी है हमारी, 2 इंच की बन के तैयार आ जाएगी, 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई में लग जाएगी। ये पट्टी हमारी यहाँ आकर लग जाएगी और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी यहाँ पर छोटी छोटी सी चुने आ जाएंगी। जैसे प्रीति ने आज बलून वाली स्लीव्स पहन रखी है, ये बिल्कुल वही स्लीव्स मैंने आपको कटिंग करना आज बता दिया है, तो इसको हटाएंगे। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि नॉर्मल आपको अपने कुर्ते के हिसाब से कैसे कटिंग करनी है। ये तो मैंने बलून वाली स्लीव्स बता दी, अब आपको सिंपल स्लीव्स भी तो आना चाहिए ना कटिंग करना। अब आपको सिंपल स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है, तो आप कुर्ते की स्लीव्स को नाप लीजिए। यहाँ से आपको शोल्डर के पास से नापना है, जितनी भी आपको चाहिए हो। फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, तो जैसे मान लीजिए इसमें 22 इंच की है, तो अपन लंबाई 22 मान लेते हैं। उसके बाद आप स्लीव्स की फिटिंग नाप लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये 4 आ रही है, डबल में ये 8 हो जाएगी, आधे में ये 4 है। और इसके बाद आपके जो सीने की फिटिंग निकली थी ना यहाँ से यहाँ तक की, अंदर की सिलाई के पास से सिलाई तक की, तो ये 17 आ रही थी, तो 17 का आधा हो रहा था 8.5 इंच। आपने ये सारी चीजें समझ ली। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लंबाई का निशान लगाना है पूरी 22 इंच पर, और 1/2 इंच रखना है आपको ऊपर सिलाई में दबाने के लिए, और 1 इंच बढ़ाना है यहाँ पर सिलाई में मोड़ने के लिए, यहाँ पर जो मुड़ता है ना वही मोड़ने के लिए, मतलब कि 1.5 इंच आपको लंबाई में पूरा बढ़ा कर रखना होगा ऊपर से लेके नीचे तक। इसके बाद आपको ये वाली चौड़ाई रखना पड़ेगी, तो 8.5 इंच हमारे सीने की फिटिंग पूरी फिक्स, उसमें हम कर लेंगे 1 इंच प्लस, तो हो जाएगी 9.5 इंच। तो 9.5 पर ये वाला निशान लगेगा। इस फिटिंग के हिसाब से बता रही हूँ मैं, आप अपनी फिटिंग के हिसाब से रख लीजिए, क्योंकि जो आपकी सीने की फिटिंग निकलेगी उसको ही आपको उसमें ही आपको 1 इंच प्लस और कर लेना है, और वही आपको यहाँ से ये वाला निशान लगा देना है। और ये जो गहराई थी ना यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन कितना करना है, तो वो 3.5 इंच ही डाउन करना है आपको सभी स्लीव्स में, बस हाफ स्लीव्स में बदलेगा और फुल 3/4 इन सब में 3.5 इंच ही आपको डाउन करना पड़ेगा। और स्लीव्स की जो फिटिंग रहेगी उसका आपको आधे में निशान लगा देना है, जैसे 4 आया था तो 4 पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे, और यहाँ से ऐसे तिरछे में कटिंग कर देंगे। फुल स्लीव कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही हमारी प्रीति ने एक दिन आपको बताई थी येलो कलर में, उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आपको अगर ऐसे नहीं भी समझ में आई तो आप डिटेल में जाकर वहां पर देख लीजिएगा। मेजरमेंट लेकर और दूसरे जो नया कुर्ता हम बना रहे हैं उसकी कटिंग करना हमने आपको बता दिया है, और वो भी एकदम आसान तरीके से। तो आई होप कि आपको इसमें सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप टेंशन मत लीजिए, कमेंट करके बोल दीजिए, हम आपको फिर से बता देंगे, दूसरा मतलब एक और अलग वीडियो बना देंगे आपके लिए। इसकी कटिंग तो मैंने पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और इसकी स्टिचिंग करना तो आपको आता ही है क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी सब चीज सिखा दी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है नेक की, तो इसमें बन रहा है हमारा वी गला स्टेम कलर है, तो मैंने आपको व्हाइट कलर का, सबसे पहले मैं जब हम लोगों ने स्टार्ट किया जब हमने आपको व्हाइट कलर के कुर्ते में वी गला स्टेम कलर गला आपको बनाना बताया था, और हमने आपको एक दीदी ने रावण कलर का पहना था ना लास्ट वीडियो में, उस वाले की कुर्ते के लिए आपको नेक बनाना बताया था, और बैक वाला नेक भी हमने आपको बता दिया स्टेम कलर में, तो आपको नेक बनाना तो आता ही है। और ये जो सिंपल कुर्ता यहाँ पर रखा हुआ है ना, इसको भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, पहले कब बनाना सिखाया था, अभी जो मैंने बिगनर स्पेशल में 2 वीडियो बनाए थे, 3 वीडियो, एक मेजरमेंट का, एक सिंपल कुर्ते की कटिंग का, एक सिंपल कुर्ते की स्टिचिंग का। तो जैसे हम सिंपल कुर्ते की स्टिचिंग करते हैं ऐसे हमें इसकी स्टिचिंग करना है, ये भी सिंपल ही है। और अब बात आती है इसकी स्लीव्स की, जैसे हमने स्लीव्स हमने कटिंग की है, ऐसे स्लीव्स मैं पहन कर ही बैठी हूँ ऑलरेडी, ये देखिए ऐसे स्लीव्स हमने आपको बनाना बताया था, क्योंकि इस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग दोनों हमने आपको बताई है। तो बाकी नीचे का तो पूरा इसके जैसे बनेगा, हाँ दीदी सही का बोल रहे हैं, ऐसे बनेगा, हाँ सेम ही सेम ही बनना है, तो आप चाहे तो ये वाली पूरी वीडियो भी जाकर देख सकते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की। तो इस कुर्ते की जैसे हमें स्लीव्स ये वाली भी बनाना है, तो फ्रेंड्स इसलिए आपको स्टिचिंग तो आप लोग कर ही लेंगे, तो अगर आपको कटिंग पसंद आई है और आप कुर्ते से नाप लेकर कुर्ता कटिंग करना सीख गए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।